जितने भी स्टूडेंट आम सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है, आम सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा के 12,489 पदों के आप लोग काफ़ी समय से लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसी जो है अपडेट्स निकल कर आ गए, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट मैं जानकारी दूंगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, कटअप जो है कितना जाएगा और आपका एग्ज़ाम 2023 में जो है होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स निकल कर आ गए हैं, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए आपका टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार सी जी टेट एग्ज़ाम 18 सितंबर को हुआ था, जिसमें 6,000 स्टूडेंट ने सी जी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें और आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है और इस समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि 12,489 पदों पर जो है सीधा सीधा भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। शायद ये मौका, ये अपॉर्चुनिटीज हमको दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मौका और समय अपॉर्चुनिटीज हमको एक ही बार मिलता है और एक ही बार आपको ये मौका मिल रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, साथ ही बुक लिस्ट के बारे में, कटअप को भी बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से बुक से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तैयारी करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके एक अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी के व्याकरण में आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका कंप्लीट जो व्याकरण पूछे जाते हैं, इसमें आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्ति, अपठित, गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम्स में सीधा सीधा 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, इंग्लिश की स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश असमी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश असमी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजी, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपका बाकी अदर सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं रीजनिंग की तैयारी, तो इसके लिए आप जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। तो यदि आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से रीजनिंग के प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको रीजनिंग के बारे में कम्प्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप रीजनिंग में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता। अब इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में, तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण,
चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। यदि आप साइंस की तैयारी करने के लिए दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस के प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको साइंस के बारे में कम्प्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन, इसमें आपके एग्जाम्स में 20 अंगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी सामाजिक अध्ययन में पूछे जाते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 10 अंकों के प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। इसमें आपका आएगा कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD/DVD की जानकारी, गूगल, यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपके कंप्यूटर से नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा, इससे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान के, तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र के बारे में कम्प्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें संविधान के, तो संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी संविधान की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। और एम लक्ष्मीकांत की बुक भी ले सकते हैं। इसके साथ छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ की कम्प्लीट जानकारी जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कम्प्लीट नॉलेज, तो इसके लिए आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है वैसे रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।